अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। फरमाइए, आज की सुबह का आगाज हम करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से, जो कि मेरा है अपना जाती। शिफा यूसुफ जी की अकवाले सर नहीं, किताब छपेगी ना उसमें ये लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात दरअसल ये है कि गर्मियों का आगाज हो चुका है, सही है, ईदें भी निपटा चुके हैं हम, सही है, रमजान भी हो गया है। हाँ। तो जो अहम फरीजे थे वो पूरे हो गए। हाँ। अब जिंदगी में जो है काम, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के जिंदगी में काम कोई नहीं बचा, तो जाएं वही छुट्टियों पे जाएं, निकल जाएं इधर। चलो ठीक है। अब ऐसा आज नहीं, अभी ये प्रोग्राम के बाद 11 बजे। अच्छा 11 बजे। हाँ। छुट्टी पे जाएं तो 11 बजे तो रोज छुट्टी पे जाता हूँ भाई मैं, इसमें क्या है, ये तो मैं रोज काम करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, उसके बाद मीटिंगें करता हूँ छुट्टियों पे। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर जीते रहते यही इंतजार होता। ये बस फिर ये मेरा तो इंतजार ही है छुट्टियों का। ये तो छुट्टियां बड़े लोगों को मिलती हैं भाई, जो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो यूं कह लीजिए कि सबऑर्डिनेट तबके में होते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन होनी चाहिए। जो रूलिंग क्लास, रूलिंग एलीट जो होती है वो हो जाती है वेके, उसको जाती है छुट्टियों की, वो छुट्टियों पे जाती है, ऐश करती है, कभी मुल्क में कभी बैरून मुल्क में। हम मजदूर लोग हैं भाई, हमने तो रोज गड़ा खोदना है, रोज पानी निकालना है, ये सारे काम हमने करने हैं। सही बात है। तो जो छुट्टियां करे उसका मुबारक। लेकिन छुट्टियों के हवाले से बात मैं ये कह रही थी कि देखें अब क्योंकि वैसे तो मतलब खवातीन ने खाना जो है वो सारा साल घर में काम शाम करती हैं, अभी ईदें गुजरी हैं, खाने पकाए, दावतें वगैरह वगैरह, तो अब उनकी छुट्टियों का जो है मामला कुछ सोचें। कैसी बातें कर रही हैं खवातीन, लोगों को चाहिए कि जरा कुछ सोचें कि माओं का भी एक ना, माओं का जो छोटे बच्चों के साथ मसरूफ होती हैं, जो बड़े बच्चों के देखभाल कर रही होती हैं, जो उनसे बड़े बच्चों की देखभाल कर रही होती हैं जी बिल्कुल हस्बैंड्स की शक्ल में, तो उन माओं को छुट्टियों की है अशद जरूरत। और जब बच्चे बड़े बाकी हर तबके के लोग छुट्टी कर सकते हैं, तो माओं के लिए भी छुट्टियों का कोई आलमी प्रोग्राम मुतारिफ कराना चाहिए हुकूमतों को। लेकिन फिलहाल जब तक नहीं होता आलमी प्रोग्राम, वाह आपने आइडिया अच्छी दिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, गुड। छुट्टियों का आलमी प्रोग्राम खवातीन खाना के लिए, वेरी गुड। लेकिन ये है कि अब चूंकि वो अच्छा बहुत मतलब बच्चियां या बच्चे उनको छुट्टियों पर भेज भी रहे होते हैं, वो खुद मतलब हेलबेंट हो जाती हैं कि नहीं नहीं काम कौन करेगा, भाई पक जाएगा खाना और हो जाएगा तो काम नहीं, चलो। और 4 दिन अगर कपड़े नहीं धुलेंगे जरा ढेर ही लगेगा ना, और क्या हो जाएगा। हाँ। बताएं, धुल तो जाते ही हैं बाद में भी। तो ये है कि आप लोग निकलें और अपनी खवातीन खाना को जरा 1-2-4 दिन का जरा ऑफ दें, और इस तरह से ऑफ दें कि जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं भी जा सकते, जेन्युइनली कोई बुजुर्ग है उनको छोड़ के नहीं जा सकते, तो घर में बेसिकली वो रिलैक्स करें और खाने वाने का बंदोबस्त तो अपनी ही, अपनी ही खातों ने खाना को छुट्टी देनी, तो और किसको देनी है। मतलब ये कि ये बात तो मैं नेशनल टेलीविजन पे करने का सोच भी नहीं सकती थी कि और किसी की खातों ने। ठीक है, क्लेरिफिकेशन ले रहा हूँ भाई। हाँ, हर चीज क्लियर कर लो, बिल्कुल अपनी, बिल्कुल सारे बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, सारे हुकूक और फराइज अपनों के लिए, तो अपनी और दूरी। हाँ, दूरी बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग बाहर निकलें या घर से बाहर जाएं, शहर छोड़कर जाएं। बहुत लोगों के घरों में बुजुर्ग होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ट्रैवलिंग उनके लिए मुनासिब नहीं होती, नहीं कर सकते, तो घर में ही खवातीन खाना को 2-4 दिन का ऐसे ऑफ दें कि वो कुछ ना करें। बिल्कुल सही, कुछ ना करें। ठीक है, ठीक है जी, हो गया, मान लिया। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे छुट्टी नहीं मिल सकती, और वो है 60 सेकंड न्यूज, दिखाएं। हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तकदीस कुरान मनाने और स्वीडन वाकये के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। स्वीडन की पार्लियामेंट इस्लाम के बारे में गलत फहमी दूर करे, चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने स्वीडन की असेंबली के स्पीकर को खत लिख दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर अक्वामे मुत्तहदा इंसानी हकूक काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस 1 की मौजूदगी की तस्दीक। 40 डिग्री केस पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया गया। थर में गजाई किल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला 7 बच्चे दम तोड़ गए। तुर्किया और मिस्र के दरमियान 10 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। इसराइली फोर्सेस के जनीन पर हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। शंघाई तआवुन तंजीम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, सरबराही इजलास का ऐलामिया जारी। और अमरीकी रियासत टेक्सस में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, अमरीका में 4 दिन में फायरिंग के 5 वाकयात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं।
जी, तो ये था 60 सेकंड्स न्यूज हमने आपके लिए लेकर आए और आपको पता चला कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है 60 सेकंड के अंदर। बहुत कुछ हो रहा है भाई, अखबार भी जब मैं पढ़ रहा हूँ ना बहुत कुछ नजर आ रहा है। IMF के जो हमें वो डील हुई है उसके भी सम्राट बड़े पॉजिटिव आना, बिजली वाले बहुत पॉजिटिव है, बिजली है नहीं मुल्क में और कीमत में 1.25 रुपए फी यूनिट इजाफा हो रहा है। और मजे की बात यह है कि बस क्या बोलूं मैं, मजे की बात अब छोड़ें, पिछली जो हमने बिजली इस्तेमाल की उसकी कीमतों में इजाफा कर रहे हैं ये लोग, एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह, अजीब लोग हैं भाई। मैं आपकी दुकान से कोई चीज लूं और घर जाके उसको इस्तेमाल कर लूं, पैसे दे दूं आपको, सब कुछ कर लूं, उसके बाद आप कहें भाई वो जो आपने चीज ली थी ना वो 25 की नहीं थी, अब मैं 30 रुपए की कर रहा हूं तो आप मुझे 5 रुपए दो। ये कौन सी इलॉजिकल किस्म की हरकतें हैं भाई। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज और भी मैं आपको बताती हूं, सारे रिटेलर्स और दुकानों पे और बड़े बिजनेसेस पे या छोटे बिजनेसेस पे जो भी टैक्स लगा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या लगा है, ये मैंने जरूर पढ़ा था कि छोटे बिजनेसेस का टैक्स जो है वो तो खत्म करने का कुछ इस किस्म का मामला कर रहे थे, लेकिन बहरहाल जो हमारी रिटेल की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें, अपैरल्स है ना, तो मैंने एक जगह से जाके एक बड़ी जरूरी चीज खरीदी और एक बेसिकली मैंने अपनी एक सहेली की सालगिरह थी तो उसके लिए मैंने कुर्ता लिया। अब वो मैंने ईद से पहले देखा हुआ था और मुझे ये शक था कि शायद उस पे सेल लगे, सेल ही तो क्या ही लगनी थी उस वक्त, मैंने सेल में छोड़ा, सेल क्या ही लगनी थी, मैंने जाके वो पिक किया और मैं काउंटर पे पहुंच गई। कीमत थी उसकी कोई 3480 रुपए या इस तरह। तो मैंने काउंटर पे पहुंच के कार्ड निकाला पेमेंट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 3400 बिल नहीं होगा आपका, आपका बिल होगा 3680 रुपए, 200 रुपए बढ़ गए। हाँ, तो मैंने कहा किस चीज के, कहता है वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं ना। तो मैंने कहा ये तो पुराना स्टॉक था, मैं ईद से पहले देख के गई हूँ, ये तो लगेगा भाई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो दरअसल जो भी था वो टैक्सेस हो गए, लग गए फलाना कुछ, उसने मुझे कोई अजीब सी जस्टिफिकेशन दी, लेकिन आखिर में मुद्दा उसने हुकूमत पे डाला और मैंने भी उधर ही मुद्दा हुकूमत पे डाला, दो चार लोग और हमारे साथ मिले, उन्होंने भी मुद्दा हुकूमत पे डाला, गालियां दे के खुश हुए और बस। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी तो तनख्वाह में अभी 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। आज मैं देख रही थी लोग आए हुए थे, देखे कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद से पहले कपड़े नहीं लेते वो ठीक है, लेकिन आप जैसे लोगों को टेंशन क्या है, जो मेरा जो सवाल है आपकी नहीं, ये तनखा चीज़ में अभी अभी ताजा ताजा नोटिफिकेशन आया है कि आपकी तनख्वाह में 2 लाख रुपए इजाफा हुआ है। वो मैं नहीं हूँ अभी, वो तो मैंने बनना है, इसीलिए तो मैंने कानून पढ़ा, इसीलिए तो मैंने तकरीबन लॉ किया। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन यह है कि मजेदार बात यह है कि उस तबके से अभी तो मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल्लाह करे अनकरीब कोई जुड़े, कोई मेरा भी ऐसा नाम हो बड़ा, कोई लगे मेरे नाम के साथ जे वे लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मैंने पहली दफा देखी है दुनिया में कि पास जो आपका स्टॉक है वो आया हुआ हो, वो डिस्प्लेड हो, कितने पड़ा हुआ हो और उसमें 200 रुपए वो आपसे, अच्छा और वो रसीद पे अभी लिखा भी नहीं है, तो उनके फाइनेंशियल या जो भी सिस्टम है उनमें वो चीज अभी ऐड नहीं हुई है, लेकिन उनको ये जरूर ऑर्डर होगा जाहिर है उनके डिपार्टमेंट से कि भाई 200 रुपए मजीद चार्ज करो ताकि हम टैक्स पूरा कर सकें और दे सकें। तो ये अजीब सी चीज थी। आज की एक और बड़ी अहम खबर इसमें नजर आ रही है मुझे, वो ये है कि कैप्टन कर्नल शेर खान का 24वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है, निशान हैदर मिला था इनको, सारी कौम सलाम पेश करती है। और बिलावल साहब जो है वो टोक्यो से 1 हफ्ते के निजी दौरे पर अमरीका पहुंच गए हैं और सुपर मून आप देख सकेंगे 1 हफ्ते के दौरे पर, मैंने कहा तो सही 1 हफ्ता, ये इनका कोई 45वां दौरा है 1 साल का, तो क्या हुआ भाई, इंजॉय करें करने दो। सुपर मून मुख्तलिफ ममालिक में आप नज़ारा मजीद 2 रोज देख सकते हैं सुपर मून का, सुपर टैक्स दे दें हम तो सुपर मून देखें भाई, सुपर मून देखें। और 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म होते ही असेंबली तहलील हो जाएगी, ये डार साहब ने कहा है। आपको ऐसे क्या लगता है निगरान वजीर आजम कौन होगा, वैसे तुक्का लगाओ भाई, कोई भी बन जाए, कोई भी बन जाए की और क्या हमें क्या फर्क। अरे 5 जुलाई है आज, 5 जुलाई का मार्शल लॉ, पीपल्स पार्टी आज यौम सियाह मनाएगी, ज़ियाउलक ने जो तबाही फेरी उस वक्त, बिल्कुल याद है सब। अब ऐसी खामोशी नाजरीन बता रही है कि हम खबरों में आगे बढ़ जाएं, इससे आगे अब मैं क्या जाऊं क्या बोलूं। मैंने कुछ नहीं कहा नाजरीन, देखिए आईन की तरफ बढ़ते हैं, आईन जो है वो और पाकिस्तान के पासपोर्ट के मुताबिक, बस ये है मुझे ये पता है आईन मुअत्तल हो गया था, मेरे लिए आईन इज द मोस्ट सेक्रेड इस वक्त। और कागज के टुकड़े के तौर पर बातें ना करें, वो कह रहा हूँ मैं, ये तो किसी और ने कहा था, ये तो जिया के बाद वाले अभी करीब के दौर के हजरत ने कहा था, लेकिन एनीवे मैं आपको जरा पासपोर्ट का बताती हूँ, पाकिस्तान भी कागज का एक टुकड़ा होता है लेकिन होता बड़ा अहम है, और जिन ममालिक के पासपोर्ट्स की रेटिंग अच्छी आती है वो बस देख के वैसे ही दिल जरा खुश सा हो जाता है, अपने वाले की भी अगर अच्छी हो जाए तो क्या ही बात है, पाकिस्तान अच्छी है, अच्छी है बिल्कुल है। लेकिन पाकिस्तान के, और अब तो बहुत बेहतर हुई है, दहशतगर्दी का दौर जब हमने गुजार लिया तो सिलसिले चीज़ों के बहुत मुख्तलिफ हो गए और सिचुएशन चेंज हो गई और चीज़ें बेहतर हुई हैं यकीनन। अच्छा, पाकिस्तान के पासपोर्ट के मुतालिक मनफी बातें तो हम सुनते ही रहते हैं कि भाई फला रेटिंग में गिर गया, फला रेटिंग में उठ गया, लेकिन दुनिया के 11 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले बगैर वीज़ा
सफर कर सकते हैं। तो इनमें कौन से, इनमें से कौन से वाले पे आप एंटर होंगे पहले ये बताएं ना। इन ममालिक में जो है वो किक आइलैंड, मुझे नहीं पता, मैंने तो नाम ही पहली दफा सुना। दिल जा रहा है मेरा किक कुक आइलैंड, मैंने तो, लेकिन ये है कहाँ, ये तो मैंने नाम ही पहली दफा सुना। गूगल पे, ये दरअसल ये ममालिक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जानते नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि वीजा लगाना था। नहीं भाई, कुक आइलैंड जो है ये साउथ पैसिफिक ओशियन में बेसिकली एक आइलैंड है। अच्छा। और न्यूजीलैंड के साथ इसका बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर नहीं मिलता, आइलैंड है ना। okay. तो बेसिकली न्यूजीलैंड उनके अंडर आता है। हाँ, कुछ उसकी कोई रवाबित है न्यूजीलैंड। ओके okay. अच्छा, अगला बताएं। डोमिनिक रिपब्लिक है जी। हाँ, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक। हाँ, फिर जो है हेटी है। ओके, हेटी। हेटी जाया जा सकता है वैसे। चलो चलो, फिर माइक्रोनेशिया है, ये भी नाम कोई। माइक्रोनेशिया, ये माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया बेसिकली ओशियानिया में एक कंट्री है और 2100 आइलैंड्स हैं यहाँ पर भी। ये भी जो है वो इधर ही कहीं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास ही पैसिफिक ओशियन में। ठीक अच्छा, है। फिर है जी गैम्बिया। गैम्बिया, अच्छा, ये तो अफ्रीका में है शायद, गालिबा जहाँ तक मेरी नाकिस मालूमात हैं तो वेस्ट अफ्रीका में है। बिल्कुल सही, शाबाश ओएस। फिर कोई एक और अजीब सा नाम मैंने पढ़ा, लेकिन ये है कि इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती, और ये है मॉन्टसेरेट। ठीक है, तो ये भी कोई पता नहीं कहाँ दुनिया के किस खित्ते में वाक़ है। फिर बारबाडोस, तो ये वेस्ट इंडीज के सारे जो आइलैंड्स हैं, ट्रिनिडैड टोबैगो, ये सेंट विंसेंट भी वही है। बिल्कुल, यहाँ पर लोग तबलीग के लिए भी बड़ा जाते हैं, और बड़ा इसके अंदर क्रिकेट भी बड़ी होती है। अब तो खैर वेस्ट इंडीज आई नहीं खैर वर्ल्ड कप में, लेकिन चलो वहाँ पर बहुत क्रिकेट होती है। सेंट विंसेंट है, सेंट विंसेंट वगैरह भी सब वहीं पर है, बड़े खूबसूरत जगह है मैंने ये सुना है। तो इनके लिए वीजा नहीं चाहिए, तो बस चलें फिर, पैसे तो चाहिए ना। हाँ, पैसे टिकट चाहिए, तो चाहिए। टिकट तो बहुत शदीद होगा लेकिन वीजा इनके लिए नहीं चाहिए। तो कोई ऐसा शख्स जो कि वीजों के हवाले से बहुत अच्छा रिकॉर्ड ना रखता हो, जिसके रिजेक्शन वगैरह हुए हो, तो वो इन ममालिक में बगैर वीजों के जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ 21 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पहुंच के वीजा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अराइवल वीजा होता है ना, उन ममालिक में कौन सा है, कतर, मालदीव, सोमालिया, रवांडा, सेनेगाल, कम्बोडिया वगैरह, ये सब शामिल है भाई, तो आप जाएं वहाँ पर। और श्रीलंका जाने के जो ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी है वो वहाँ जाने से पहले ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं, ETA दस्तावेज होती है वो हासिल कर सकते हैं। तो जाए भाई, घूमे फिरे, एंजॉय करें छुट्टियों की। तो वैसे ही आपने बात आज कॉम को लगा दिया छुट्टी पर। अच्छा, अब जब छुट्टी आप करें तो चलो छुट्टी तो कर ली आपने, लेकिन अपने पेट को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अब जो मैं आपको खबर बताने लगा हूँ ना, ये जरा तश्वीशनाक खबर है। आप सुनिए कि अब सबने हमने ये सबने सुना है कि मैदे की जो भूख है वो खाना खाकर मिट जाती है, लेकिन ये भूख अगर नफ्सियात में बैठ जाए तो फिर नहीं मिटती। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी है। ईद उल अज़हा पर बहुत सारे लोगों ने जी भर के गोश्त खाया, उसके नतीजे में सिर्फ पंजाब में ही 18 अफराद जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। 18,000 अफराद, 18,000 पीपल ये हॉस्पिटल में आए हैं। ठीक है, हुकूमत को अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करना पड़ी है। 3,000 लोग सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में दाखिल हुए हैं ये फूड पॉइजनिंग के चक्कर में। जी, सीनियर प्रोफेसर हैं जी, डॉक्टर मसूद शेख हैं, उन्होंने जहर खुरानी से बचने के लिए आवाम को गोश्त खाने किस गोश्त के साथ साथ लीमू और दही खाने की हिदायत की है। बड़े सीनियर डॉक्टर हैं ये, इन्होंने कहा भाई गोश्त के साथ लीमू खाओ, दही खाओ, इससे बचत होगी। वैसे भी खाने पीने का एतदाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। गोश्त खाएँ, लीमू खाएँ, दही खाएँ, कुछ भी खाएँ, एतदाल ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। आप प्लीज़ इसको मलूजे खातिर रखें। बिल्कुल, और अपना पेट है ना आपका, पराया तो नहीं है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ ये कौन लोग थे, ये वो लोग थे जिन्हें कभी कभी गोश्त मिलता है जो बेचारे, क्योंकि होता है ये जरूर हो सकता है, या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जो होते हैं ना, आ यार आज बारबेक्यू करते हैं, आ यार आज टिक्के लगाते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, कब, और ये भी हो सकता है कि जिन्होंने खाया भी एतदाल में हो और वो अक्सर अमूमन खाते भी हों। देखें, बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि गोश्त या चिकन जिस छुरी से कटा है ना, उस छुरी को आप सैलेड या इस किस्म की चीज़ों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बिल्कुल, ये तो शदीद मना है, बिग नो, इससे तो ऐसी आपको डायरिया और फूड पॉइजनिंग होगी तो कि जिसका आप इस्तेमाल करेंगे ना वैसे तो नहीं। उसके बावजूद कुक्स और शेफ्स जो दुनिया के हैं वो ये कहते हैं इन छुरियों को रखें भी अलग, कोशिश करें कि फ्रूट खाने वाली और सैलेड खाने वाली, क्योंकि देखिए सैलेड पकता नहीं है, फ्रूट आपने कच्चा, वो गोश्त आपने कच्चा काटा, फिर उसके बाद आप जब इस तरफ आए और आपने ये काटा, बेशक धोके काटा तो हो सकता है कभी धुली ना हो कोई चीज़ साफ तरीके से, प्रॉपरली वॉश ना हो, और फिर आप उससे काट रहे हो तो वही बैक्टीरिया और जर्म्स जो है वो सैलेड में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसीलिए हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जब बारिशों का सीजन शुरू हो तो गोश्त को या खाने को अच्छी तरह पकाएं और अच्छी तरह चबा चबा के खाएं। कुछ लोग बड़ी तेजी में भी खा रहे होते हैं, स्पीड भी उनकी बड़ी तेज होती है, तो ये सारे मामलात भी होते हैं कि हो सकता है फूड पॉइजनिंग इस वजह से भी फैला हो कि लोगों ने कटिंग बोर्ड्स, अच्छा कटिंग बोर्ड्स भी अलग रखें, ये भी कहा जाता है गोश्त काटने वाला कटिंग बोर्ड अलग। खर्चे वाली बातें बता रही हैं आप। नहीं वैसे, मैं सेहत को बचाने वाली बातें बता रही हूँ, और मैंने अस्पतालों में खर्चे होंगे आपके। इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने देखी,
पता नहीं किसकी थी, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन उन्होंने भी एक नंबर दिया हुआ था, पॉलिटिशियन था कोई, उसने नंबर दिया हुआ था सिंध का, कि सिंध के किसी इलाके का, कि 300 अफराद वहाँ पर अस्पतालों में दाखिल हुए हैं फूड पॉइजनिंग ईद के बाद उनको हो गई। अच्छा, तो ये हर तरफ मामला इसी तरह का है, लेकिन ये है कि ख्याल रखें, सफाई का दामन हाथ से ना जाने दें, क्योंकि गर्मियाँ हैं, पसीना आता है लोगों को, ऊपर से बारिशें हैं, ये वो मौसम है जिसमें बैक्टीरिया और इस किस्म के जो अनासर हैं ये अफजाइश पाते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने रखना है ख्याल। और मेरा ख्याल है कि इसी एक ख़तरनाक सी खबर के साथ एक और बड़ी बुरी खबर भी मैं आपको प्रॉपर तौर पे बराह रास्त तरीके से दे दें, कोई मसला नहीं, हम तो इम्यून हो गए भाई। बिजली का बिल आप सबके होश तो उड़ा ही देता होगा, लोगों को गुस्सा आ जाता है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घरों में फसादात हो रहे हैं, कमज़ोर दिल हजरात खुद को पहले ही तैयार कर लें, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है, क्योंकि मुल्क भर के जो सार्फीन के लिए बिजली 1.25 रुपये वो तो अवैस ने बताया महंगी कर दी है, नेपरा ने तीसरी सहमाही से के लिए एक के लिए इजाफे की मंजूरी दे दी है, और ये इजाफी जो रकम है जुलाई अगस्त सितम्बर के बिलों में शामिल की जाएगी। और इसके अलावा वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो हैं ये तस्लीम कर चुके हैं कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3-4 रुपये इजाफा किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए अब एसी कूलर जैसी जो नागुजीर सहूलियात हैं इनसे दूर रहने में ही आवाम का भला है, और दुआएं करते रहें कि जब तक बारिशें हो सकती हैं एहतियाती तदबीर के साथ वो रहमत की बारिशें होती रहें, इतनी ज़्यादा भी ना हो जाएं कि वो हमें मज़ीद तकलीफ़ हो, लेकिन ये है कि बारिशें और अच्छा मौसम ही अब इस चीज़ का इलाज लगता है, हत्ता कि पंखा भी एहतियात से चलाने पड़ेंगे अब आप लोगों को नाजरीन। तो ये मैं बहुत दुखी दिल के साथ, भारी दिल के साथ आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, चाह नहीं रही थी मैं कि मैं ये करूं, लेकिन मैं तो जो बातें मेरे दिल में आ रही हैं मैं कह भी नहीं सकता हूं, छोड़े रहने दे फिर ना करें। मैंने तो भड़ास निकाल ली थी अपनी कल उस दुकान पे, और मैंने लोगों को भी साथ मिला लिया, जो मेरे दिलो दिमाग में जो अल्फाज आ रहे हैं ना, बस रहने दे उनको, मैं आपके सामने कैसे पेश करूँ भाई। तस्लीम तो कर लिया उन्होंने सर, तस्लीमात आपने बड़ा काम कर लिया तस्लीम करके, कोई उसको उसका कोई हल तो निकाले, उन्होंने तस्लीम इसलिए किया है कि हम उनके आगे सारे तस्लीम में खम करें, बस हम तो तस्लीम में खम करते हैं, और क्या करते हैं, हम टैक्स देना हो तो भी हमारी तनख्वाह से निकल जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सारी चीज़ें जो है वो तस्लीम में खम करके ही सारा चला रहे हैं, मामला हमारा जब से पैदा हुए उस वक्त से तस्लीम खम ही है, आपका जो मामला है वो सर तस्लीम खम नहीं हो रहा, वो आपका सर जो है यूँ है और यूँ ही रहेगा, बस अल्लाह करे हमारे लिए भी कुछ सोचें आप। बहरहाल अब ये छोड़ें भाई, मैं क्या इस पर मैं बात करूं, अजीब से मामलात हैं कराची में, कल इस कदर शदीद गर्मी थी, लोगों से मेरी बात हुई, वो रात को सो नहीं सके जिनके घरों में नॉर्मली जो पंखे चल रहे हैं वो नहीं सो सक रहे हैं, बार रात को उठ के पानी पी रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, और बिजली की जो बंदिश है वहाँ पर वो 8-8, 10-10 घंटे चल रही है, अलग एक मुसीबत है कि पंखा भी नहीं चल सकता आपका, पे प्राइस बढ़ाते रहो, प्राइस बढ़ाते रहो और बिजली ना दो, लूट लो, खून निकाल लो एक ही दफ़ा में ना, ख़त्म कर दो भाई, कि ये सबका खून और जूस निकाल लिया है हमने, अब तुम मर गए हो, अब तुम सुकून में रहो, ये इस तरह के हालात हो रहे हैं भाई, अजीब एक मामला है। बहरहाल छोड़ें, एशेज सीरीज़ की बात करते हैं भाई, क्रिकेट की बात हो रही थी थोड़े दिन पहले, हमने बताया था आपको, बड़ा ज़बरदस्त एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, रनआउट हो गया था, और रनआउट के बाद जो है अब मामला खिलाड़ियों से निकल कर वज़राए आज़म तक पहुँच चुका है जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के वज़ीरे आज़म, उनके बयानात सामने आए हैं, वो जो था ना बरतानवी खिलाड़ी, दोनों अपनी अपनी टीम के साथ खड़े हैं, ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ खड़े होंगे, वो दूसरों की टीमों के साथ तो नहीं खड़े होंगे, नहीं मैं तो अपनी टीम कह के किसी के भी साथ खड़ी हो जाती हूं। आपकी तो टीम ही बदलती रहती है ना, आपका मसला अलग है, ये पक्के वज़ीरे आज़म है। अच्छा, बरतानवी खिलाड़ी जो है बेयरस्टो का जो मुतनाज़ा स्टंप आउट था वो मामला थम नहीं रहा है, और ग्राउंड से ये मामला शुरू हुआ था, फिर तमाशाइयों ने ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाफ नारेबाजी की थी, उसके बाद लॉन्ग रूम में तलख कलामी हुई, और अब बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म आमने सामने आ गए हैं। बरतानवी वज़ीरे आज़म जो है, क्या नाम है उनका, ऋषि सोनक ने अपने जो कप्तान है बरतानिया के बेन स्टोक्स, उनके इस बयान की तायद की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेयरस्टो का जो आउट है वो क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ था। तो बरतानिया वाले ने तो कहा कि भाई हमारे खिलाड़ी को तुमने गलत आउट दिया और ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ नहीं, ठीक है। अच्छा, जवाब में ऑस्ट्रेलवी जो वजीर आजम है एंथनी एल्बनेज, वो भी बोल पड़े, उन्होंने एशेज सीरीज के इब्तदाई मैचेस जीतने पर फख्र का इजहार करते हुए कहा है पूरा ऑस्ट्रेलिया अपने कप्तान और दीगर खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलो, तो इसका फिर अब फैसला क्या होगा, इसका फैसला तो कुछ नहीं, फैसला तो हो गया, मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, लेकिन इसमें कोई रद्दअमल तो आईसीसी की तरफ से, कोई आईसीसी का रद्दअमल आएगा इसलिए नहीं कि आउट तो टेक्निकली आउट तो था, बिल्कुल आउट तो था, और दूसरी तरफ ऋषि सोनक जो है उनके साथ हमारे जो जहनी एक हमाहंगी है वो भी इस बयान से आपको, क्योंकि कल अवैस कह रहे थे कि ये गेम ऑफ द स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ, चीज आउट तो था
आउट तो था, लेकिन भाई स्पिरिट होनी चाहिए ना। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बेईमानी एक तरह से हो गई, तलवारबाजी का मुकाबला नहीं होता जी जी ओलंपिक्स वगैरह में, तो उसमें दो खवातीन जो थी वो तलवारबाजी का मुकाबला कर रही थी, सही है, और मैच खत्म होने से 12 सेकंड पहले वो खातून जो कि जीत रही थी उसे एक इंजरी हुई और उसके पाँव में क्रैम्प्स पड़ गए, वो गिर गई। अच्छा, अब जब वो गिरी है तो उसके बाद जाहिर है उसको थोड़ी देर बाद वो उठी है, अब 12 सेकंड का मुकाबला रहता है, अब वो इंजरी के साथ उठी हुई है, तो जो सामने जो खिलाड़ी थी जो हार रही थी उसको मुकम्मल एडवांटेज था कि वो पॉइंट्स ले लेती और जीत जाती, लेकिन उस खिलाड़ी ने जो हार रही थी उसने एक भी वो जो तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने वाला सिलसिला नहीं किया, वो बार बार पीछे हटती रही और उसने 12 सेकंड इस तरीके से गुजार दिए, क्योंकि वो जानती थी कि स्पिरिट ऑफ द गेम क्या है, कि वो लड़की जीत रही थी और उसकी गेम अच्छी थी, तो मुझे जीतने का कोई हक नहीं है। हाँ, टेक्निकली मैं जीत सकती हूँ, टेक्निकली मैं जाकर उसको जो भी अपना जो पॉइंट्स है वो लेने का सिलसिला कर लूँ, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम ये इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल स्पिरिट तो खैर होना ही चाहिए। एक और स्पिरिट है, वो अजीब मामला हो गया, गूगल प्ले स्टोर से आप कुछ डाउनलोड ना, अच्छा आप लोग तो आईफोन वाले लोग हैं ना भाई, मैं बता दूं आपको, नहीं तो गूगल कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आईफोन एंड्रॉयड के लिए भी मौजूद हैं और एप्पल के लिए भी होती है। नहीं तो अभी गूगल के प्ले स्टोर पर एक वायरस आ गया है और अच्छा। जो लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वो पाया गया है और उसके बाद जो है वो शहरियों को उनके मुतालिक खबरदार कर दिया गया है। बेसिकली एक वायरस है, इसका नाम है गुल्डोसन और ये 80 ऐप्स के जरिए ये वायरस जो है ये सार्फिन का डेटा चोरी कर रहा है और इसके अलावा फ्रॉड किस्म के इश्तहारात भी दिखा रहा है और जितनी भी ये मुतासरा ऐप्स हैं उनके नाम भी मीडिया पर जारी कर दिए गए हैं। आप जाएं और गूगल प्ले स्टोर पे तलाश कर लें उनको ये नाम आप, और आपको ना तो आधी बात बताने की क्या जरूरत थी, क्यों पूरी बात बताएं, कौन नाम बताओ, नहीं मतलब मोटे मोटे कोई तो उसमें हो सकता है, कोई खुद भी कुछ करे ना ये लोग, ये तो कोई बात ना हुई। अब अच्छा, अब वो तजस्सुस में रह गए हैं, अभी तो उन्होंने टीजर वो सुनना ही शुरू किया था आपको, 80 ऐप्स है ये इनके अंदर ही आया है वायरस, ठीक है जी, तो आप प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर एहतियात करें। हाँ, एहतियात करें और गूगल पे एक ये लिस्ट होगी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी एप्लीकेशंस की, वो जरा जाकर एक नजर उसको पढ़ लें। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो बहुत मौजूद है, लेकिन ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो इस टैलेंट को फलने फूलने के मौके फराम करे, वो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का वर्ड हम सुनते हैं वो इनके पास अक्सर मौजूद नहीं है। आपको दिया ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आप फलें फूले दिया किसी ने नहीं है, मैंने लिया है, लिया है बिल्कुल। अच्छा, इसके बावजूद कई बार बासलाहियत नौजवान जो हैं वो दुनिया से खुद को मनवा लेने में कामयाब हो जाते हैं और अवैस अहमद हरल साहब जो हैं वो ऐसी ही एक पाकिस्तानी नौजवान है जिन्होंने पानी को साफ करके उसे पीने के काबिल बनाने का मुनफरद तरीका इजाद किया और ये पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर फिल्टर्स लगे हैं या लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो मिनरल की तरफ चले गए हैं, वाटर की तरफ, लेकिन अदर देन दैट पाकिस्तान में पानी की जो पोर्टेबिलिटी जिसको हम कह लें या ड्रिंकेबिलिटी जिसको कह लें वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। अवैस अहमद साहब स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोबा में PhD कर रहे हैं और उन्होंने 2021 में सऊदी केमिकल सोसाइटी से यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता था और 100 से ज्यादा उनके साइंसी मकाले हैं, कई किताबें शाया हो चुकी हैं, हाल ही में उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की भी रुकनियत का एजाज हासिल किया है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर चूँकि हमने जो आपकी अचीवमेंट्स बताई हैं उसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड करें कि क्या क्या ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि आप साइंस की जो डोमेन है उसमें हासिल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर मोहम्मद असलम एंड विद दिस माय मेंटर डॉक्टर इकराम एंड विद द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर मोहम्मद वेज and Umar Yunus as well. So research era when I start with the water splitting and photocatalysis, ye apne sir agar urdu mein guftugu karenge to zyada behtar hoga hamare liye, dekha jayega ye program spain mein dekhenge, audience hai hamari lekin urdu zyada behtar hai. So aapko bhi pata hai ki Faisalabad ek industrial state hai, Faisalabad le le, even pakistan mein bahut sari cities hain jo ki apne aap ko industrial state kehti hain, लेकिन उनका मेन इरा जो है वो ये है कि उनकी पॉल्यूशन और उनका वेस्ट वाटर
हम आज भी गंदे नाले रास्ते में देख रहे होते हैं, रोड्स पे देख रहे होते हैं, और उनमें गंदगी विदाउट एनी प्यूरिफिकेशन वो चल रही होती है, जो कि कार्सिनोजेनिक भी है और कैंसर की डिजीज को भी कॉज करने में वो मुनफरिद रोल प्ले करती है। फिर आती हैं हमारी डाइज, जो हम कपड़े पहन रहे हैं उनके ऊपर डाइज लगाई जाती हैं, उन डाइज को बाद में वेस्ट किया जाता है वाटर में विदाउट एनी बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी कि उनको रिमूव नहीं किया जाता। तो उसके लिए मेरी रिसर्च जो मैंने स्टार्ट की थी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट की थी मेटल्स के साथ, मेटल्स नैनो मटेरियल्स के साथ, क्योंकि नैनो मटेरियल्स एक ऐसी साइंस है जिसके साथ आप इनको टैकल कर सकते हैं, इसके साथ लड़ सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम ग्रीन सिंथेसिस की तरफ जाएं, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल भी होगी और नॉन टॉक्सिक भी होगी, जिसका कोई ह्यूमन हेल्थ पे असर नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने हर प्लांट एक्सट्रैक्ट को जज करना शुरू किया। तो फिर इसके साथ ही मुझे आइडिया आया कि आइदर हम ये यूज करें, हम चंबेली को क्यों ना यूज करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फेनोलॉक्साइड्स भी होते हैं और मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट। तो जब हमने इसको ट्राई किया तो अब चंबेली का फूल जो है वो पानी को कैसे साफ करता है, ये थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को समझाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा टेक्निकल होगा तो हम तो साइंसदान है नहीं, तो चंबेली का फूल पानी को कैसे साफ करता है? जैसे चाय के लिए पत्ती जरूरी है, वैसे ही नैनो मटेरियल की सिंथेसिस के लिए एक स्टेबलाइजर की नीड होती है। अब स्टेबलाइजर क्या करता है, वो उसके साइज को कंट्रोल करता है, वो उसको बाहर नहीं निकलने देता उस एक इरा से, एक 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 शेप से। तो जो ग्रीन मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट होता है जो कि ऑर्गेनिक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं उनमें मेटाबोलाइट्स होते हैं और फेनोलॉक्साइड्स होते हैं, जो कि इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, मीन्स रोक रहे होते हैं कि साइज यहाँ पे कंट्रोल हो जाए। तो जब साइज कंट्रोल हो जाता है तो वो उतना ही एफिशिएंट नैनो मटेरियल बन जाता है, और यही रिसर्च वर्क अब बैटरीज में भी आ रही है, उसके बाद सुपर कैपेसिटर में आ रही है। अगर आपने ईट्रॉन गाड़ियां देखी हैं, तो ईट्रॉन में जो मेन फिनोमिनल साइंस है वो उनकी बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज है या सोडियम बैटरीज है, ये वो बैटरीज हैं जो कि अपने आप खुद को रिचार्जेबल कर सकती है। सही। तो अच्छा, अब ये जो जो ये प्रोसेस है आपका, ये किस तरीके से आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और उसके इस्तेमाल के काबिल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये रिसर्च फेज पर है और अब इसको लोग कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज दिस के जब भी आप एक रिसर्च लैब में बनाते हैं, उसकी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन लिंकेज भी आप बनाते हैं, आप इंडस्ट्री के बगैर उस रिसर्च को सोच नहीं सकते, जब आप उसको इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते तो एक अच्छी रिसर्च है ही नहीं। तो इंडस्ट्री में इसको लाने के लिए, इसको इम्प्लाई करने के लिए या लेमैन के यूज के लिए बनाने के लिए एवरी पर्सन नीड्स फंड, प्रोजेक्ट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि मटेरियल बनाना, उसको एनालिसिस करना कोई छोटी चीज तो नहीं है, दिस नीड मनी एज वेल। तो अदर पॉइंट इज दिस, इसको यूजफुल कैसे बना सकते हैं लेमैन के लिए, अगर हम इस तरह के ही नैनो मटेरियल्स को डिजाइन कर दें और उन किट्स को अपनी वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज कर लें, तो जो आजकल हमारे वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, जो आजकल हमें इश्यूज चल रहे हैं, इवन विद इंडिया हमें हमारा पानी बंद कर दिया जाता है, हमारे पास रिजर्वॉयर्स नहीं है, तो जो पानी हम ऑलरेडी वेस्ट कर रहे हैं, जो पानी हमारे काबिल नहीं है, ना हमारे ज़राअत के लिए काबिल है, ना हमारे पीने के लिए काबिल है, वो काबिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे जो कि विद नो रीजन दे आर नॉट वर्किंग। और इवन अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन देखें, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन देखें, तो आपको भी पता होगा कि तालीम का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट कितना है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका ये इसका जो इंडस्ट्रियलाइज्ड फेज है वो क्या होगा, और क्या किस किस्म की डिवाइस होगी, और क्या वो डिवाइस इंडस्ट्रियली सारे लोगों के लिए खरीदने के लिए मौजूद होगी मार्केट में, या ये कुछ खास, जिस तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाती है तो आप गवर्नमेंट को दिया करेंगे, या जो भी उसका है प्लान क्या है आपका? एक्चुअली राइट नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा, तो अभी इसके ऊपर इतना लाया अमल तैयार नहीं किया, लेकिन यस अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई तो यस विद इंडस्ट्री एज वेल
हम इस चीज को लिंक करेंगे, क्योंकि ये वो मटेरियल है जो कि एंटीबैक्टीरियल भी है। अगर आप इससे फैब्रिक को ट्रीट करते हैं, अपने फैब्रिक को ट्रीट करते हैं, तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स तैयार कर रहे होते हैं, हम वाटर प्यूरिफिकेशन और वाटर रिटायरेबल मटीरियल तैयार कर रहे होते हैं जो कि सेंसिबल होते हैं टूवर्ड्स हीट एनर्जी एज वेल। तो इससे और भी बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का फंड है, आपको किस तरह का प्रोजेक्ट दिया गया है कि इसको इस तरह से लेके चले। जैसे कि अब इधर स्पेन में मेरा प्रोजेक्ट है, मैं बैटरीज के ऊपर काम करूं, मैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर काम करूं, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, हम इंडस्ट्री को ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो इस तरह ही ये विद वन स्टेप हर चीज चल रही होती है कि आपने फर्स्ट इसको इंडस्ट्रियल लिंकेज के साथ अटैच करना है, देन इंडस्ट्री विल इन्वेस्ट मनी, और उसके बाद ये चीजें आपके उसमें आएंगी लेमैन के यूज में, क्योंकि लेमैन के यूज में लाना एक साइंटिस्ट का काम नहीं है, वो काम हमारी पॉलिटिक्स का। बिल्कुल, साइंटिस्ट का काम तो इनोवेशन करना है, और वाकई बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है आपकी सर। वैसा बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने, और वाकई बड़ा ज़बरदस्त ये काम है चमेली के फूल से पानी की प्योरिफिकेशन का। जाहिर है साइंस जो है वो जिस तरह आगे बढ़ रही है, तो वो जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनके बहुत सारे ऐसे फ़वाद भी हमारे सामने आते हैं कि जो कि हम नॉर्मली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो शुक्रिया अदा करेंगे अवैस अहमद साहब का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। अब मेडिकल साइंस भी जो है वो भी एक ऐसी फील्ड है कि जो आपको हैरान परेशान कर देती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वक्त के साथ हमें आ रही होती हैं, और उनमें से एक बीमारी है हड्डियों की हेल्थ का ना होना, या हड्डियों की हेल्दी ना होना, उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों कहते हैं, और खवातीन खास तौर पर एक एज के बाद अपनी हड्डियों का ख्याल क्यों उनको चाहिए कि वो ज़रूर रखें, मर्द तो रखते ही हैं, लेकिन यह है कि खवातीन को भी चाहिए कि रखें। खवातीन में अवेयरनेस इस हवाले से बड़ी कम है कि खास उम्र के हिस्से के बाद उनको अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रखना, बोन टेस्ट करवाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर शब्बीर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक मिनिमली इन्वेजिव स्पाइनल सर्जन हैं, जो कि पाकिस्तान, यूके, यूएस वगैरह और कनाडा से क्वालिफाइड हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला। अब मर्दों की बोन हेल्थ और ख्वातीन की बोन हेल्थ, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं या इसको हम एक ही तरह ट्रीट करेंगे? नहीं, ये बेसिकली दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो हैं वो औरतों में अलग हैं, मर्दों में अलग हैं। ठीक है, जो ऑस्टियोपोरोसिस या बोन जिसे हम बुरबरापन भी कहते हैं, हड्डियों का बुरबरापन भी कहते हैं, वो औरतों में दो में से एक औरत को होता है, जबकि मर्दों में चार में से एक मर्द को होता है। अच्छा, तो 25% और 50% तो इसकी वजह क्या है? इतना फर्क, इसकी वजह जो है तो औरतों में चूंकि मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये चीज़ आती है। दूसरा ये है कि अगर देखा जाए तो जो बोन का जो स्टिमुलस है उसकी ग्रोथ का, वो है उसकी एक्सरसाइज, उसका यूज़ होना। और औरतें चूंकि मर्दों के मुकाबले में फिजिकली कम एक्टिव होती हैं, तो कुछ ये काम तो हम बड़ा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सारा दिन मैं चल रही हूं, हाँ, वो फिजिकली इतना नहीं होता जितना कि मर्द करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज्यादा होती है। दूसरी, इसके अलावा कई फैक्टर्स हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ फैक्टर ऐसे हैं, जैसे पांच ऐसे फैक्टर हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर, मेल या फीमेल हो गया। नंबर टू, एज जो इंक्रीज़ हो रही है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर थ्री, रंग और नस्ल, जिसमें अब जिस सफ़ेद लोगों में काले लोगों की निस्बत ऑस्टियोपोरोसिस कम होती है, ज़्यादा होती है, सफ़ेद लोगों में ज़्यादा होती है ऑस्टियोपोरोसिस। और उसके बाद जो है तो फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस जो है, और उसके बाद जो है तो आपका बॉडी फ्रेमवर्क, जो आपको जो छोटे स्टेचर के लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली हमारी जो हड्डियां जो हैं वो हमल के छठे सातवें हफ्ते से बनना शुरू हो जाती हैं, और ये 25 साल की उम्र तक, औरतों में 20 साल, मर्दों में 25 साल की उम्र तक ये बनती रहती हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हड्डियां जो हैं डे वन से बनना और टूटना बैक वक्त चलता रहता है, किस्सा उनकी हड्डियों की तोड़फोड़ होती है, साथ में रिपेयर होता रहता है, तोड़फोड़ होती है, रिपेयर होता रहता है। शुरू में बचपन में और जवानी से पहले तक जो है इनका बनना जो है वो ज़्यादा होता है और टूटना कम होता है, सही है। जबकि 30 इयर्स एज पे आके बैलेंस बराबर हो जाता है, 30 इयर्स में टूटना बनना इक्वल होता है। जब 30 इयर्स के बाद 40 में जब जाते हैं हम, तो फिर टूटना ज़्यादा हो जाता है और बनना कम हो जाता है, तो ये बैलेंस जो है। और इसीलिए अक्सर मैं अपने पेशेंट से भी ये कहता हूँ कि आपका जो बोन बैंक है, जो बेसिकली कैल्शियम है, अगर आपने 30 इयर्स एज तक
कैल्शियम डिपॉजिट कर लिया है बोन्स में, तो आपको 30 इयर्स के बाद जो आपका ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो प्रोसेस कम हो जाएगा। लेकिन अगर जिन्होंने बोन बैंक 30 इयर्स तक जो है जमा नहीं किया, उसके आगे हम आएंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये नहीं होता, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा जल्दी होता है। ये भी बताएं कि क्यों गोरे लोगों में ज्यादा होता है और छोटे कद के लोगों में क्यों ज्यादा होता है? छोटे कद के लोगों में इसलिए वो होता है कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कम होता है और उसकी जो बोन मैस है वो कम है, उसकी वजह से जो है ये फर्क पड़ता है। और ये गोरे और काले का जो फर्क है, तफरीक गोरे काले का फर्क जो है ये साइंटिफिक आ रहा है, इसकी कोई रीजन है, लेकिन ये नंबर्स में पता लगता है, नंबर्स में रिसर्च में ही आता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है, इनको कम होता है। चलो इधर तो एक हमारी जरा बचत हो गई। चलो कैल्शियम डिपॉजिट पर आते हैं भाई, कैल्शियम डिपॉजिट कैसे बढ़ाया जाए? कैल्शियम डिपॉजिट जो है तो आप पहला जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जैसे मिल्क है, दही है, योगर्ट वगैरह, ऑरेंज जूस है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो, ये चीज़ें जो हैं बेसिकली कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। और हमारी बोन्स में 99% हमारा कैल्शियम जो है वो बोन्स में होता है और 1% कैल्शियम जो है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। अब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो विटामिन डी जो है अगर वो नहीं होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह जो सन एक्सपोजर है, खासकर 10 बजे और 12 बजे के दरमियान, सर्दियों में 10 और 3 बजे के दरमियान का जो सूरज है वो विटामिन डी हमें देता है, प्रोवाइड करता है। और वो विटामिन डी जब हम स्किन से फिर हमारे लीवर में किडनी में जाके वो एक्टिव विटामिन डी बनती है और वो फिर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करती है। और फूड में जो है तो जैसे मैंने कहा कि ऑरेंज जूस जो है और उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है, बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और बाद लोग ये कहते हैं कि दूध में ज़्यादा है योगर्ट में कम, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में कैल्शियम लिया होता है। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं जो विटामिन डी के होते हैं, एक होते हैं इंजेक्शन वो तोड़ के पीने वाले, एक वो लाल ऑरेंज शरबत सा होता है पानी में गोली डाल देते हैं, और एक है जो प्रॉपर व्हाइट कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, इन तीनों में कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है और कितने कितने अरसे बाद क्या? असल में दो डिफरेंट चीजें हैं, विटामिन डी अलग है और कैल्शियम अलग चीज है। तो विटामिन डी में ओरल कैप्सूल भी आते हैं और इंजेक्शन भी आता है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की चॉइस पे, भी डिपेंड करता है डॉक्टर की चॉइस पे, दोनों चीजें एक ही हैं कि आप किसी को आप विटामिन डी के इंजेक्शन दे दें, उसे तोड़ के दूध में डाल के पी सकता है, और या कैप्सूल दे दें, डिपेंड करता है, दोनों का इक्वल वो है। और कैल्शियम की टैबलेट्स आप कोई भी कैल्शियम टैबलेट्स लें तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तो हमें कम अज़ कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जो हमें पर डे लेना चाहिए, कोई भी कैल्शियम की कोई भी कैल्शियम ले लें, दो तीन कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सिट्रेट मुख्तलिफ हैं, तो सारे 19-20 का फर्क होता है, बाकी होते सारे कैल्शियम। तो जो सर्जरी आप करते हैं जो मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, ये क्या है और ये किस स्टेज पर करनी होती है? बेसिकली मैं स्पाइनल सर्जन हूँ, मिनिमल इन्वेसिव स्पाइनल सर्जन। इसका मतलब ये होता है कि आप छोटे से कट से आप जो है तो वो मतलूबा नतज हासिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमल इन्वेसिव में ये है कि हम मरीज को जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, अच्छा उन्हें हम लोकल एनेस्थीसिया देकर जो मतलूबा डिस्क है उस तक जाते हैं नीडल के जरिए, और फिर उस नीडल पे हम स्कोप डाल के हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है तो हम वो डिस्क जो है वो निकालते हैं। तो इसको मिनिमली इन्वेसिव स्पाइनल सर्जरी कहते हैं, क्योंकि आजकल तो सारा दौर जो है जैसे पुराने ज़माने में जो है तो ओपन करके तो पिता निकालते थे, अभी जो है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, इसी तरह ब्लैडर में, तो तमाम जो फील्ड्स हैं ऑर्थोपेडिक के अलावा भी जो है जनरल सर्जरी है, यूरोलॉजी है, उसमें मिनिमल इन्वेसिव की तरफ हम जा रहे हैं। तो हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा कौन सी और ऐसी तकलीफें होती हैं जो लेके डॉक्टर्स के पास लोग पेशेंट्स आते हैं? मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का तो स्पाइन का इशू है, वो कहते हैं भाई डिस्क स्लिप हो गई, कुछ हो गया, इंजरी होती है, कुछ लोगों की इंजरी नहीं होती फिर भी उनकी तकलीफ होती है, दर्दें होती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली इस जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है, इसका हमें पता नहीं चलता जब तक ये नुकसान कर न दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी स्पाइन में हड्डियों का बुरबुरापन है, जब फ्रैक्चर होगा तब पता चलेगा, इसी तरह स्लिप हुए और हिप फ्रैक्चर हो गई। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो तीन हिप बोन
स्पाइन और रिस्ट ये तीन कॉमन हैं जिसमें फ्रैक्चर होता है। इसीलिए जो यूके में और अमेरिका में जहाँ आईसी फ्लोर्स होते हैं उसमें बूढ़ी औरतें मर जो हैं वो स्लिप से, तो हमें एक्सरे किए बगैर ही 99.9% हमें पता होता है कि इसका हिप जो है फ्रैक्चर हुई होगी। तो उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए कि खासकर घरों में जो 60 इयर्स या उससे बहुत लोग हैं तो हमें घरों में वायर्स वगैरह से पांव फंस जाना, गिर जाना या फिर जो स्लिपरी टाइल्स हैं उससे, हाँ स्लिपरी टाइल जो हैं उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। और इसमें ये है कि जो फैक्टर्स हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का, जैसे मैंने नाज़रीन से ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ये पाँच प्रोमिसेस कर लें, चलो पांच प्रॉमिसेस कर लें तो मैं आपको इस बात की जमानत देता हूं, हर उम्र के लोगों के लिए हर उम्र के जमानत देता हूं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस तकलीफ नहीं देगी, होगी। नंबर वन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हर मर्द और औरत के लिए जरूरी है, और बल्कि मर्दों के लिए तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि पांच वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना, तो आपका आधा घंटा, अगर आप आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करेंगे तो इसके दर्जनों फायदे हैं। और हड्डियों को मजबूत होना तो इसमें से पहले नंबर पे आता है। खवातीन को तो हमने इस फायदे से निकाल ही दिया ना, लेकिन खवातीन घर में जैसे इन्होंने घर में कहा कि हम चलते रहते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो घर में उनका वो भी जो नमाज हम पढ़ते हैं, बेसिकली मैंने नमाज पे पूरी रिसर्च की हुई है कि नमाज का हर फेल जो है उसमें मेडिकल फायदे बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब रुकू करते हैं तो हमें हुक्म ये है कि आप रुकू ऐसा करें कि आपकी कमर बिल्कुल फ्लेक्स हो जाए, तो अब जब हमारी कमर में कोई 18-20 जॉइंट्स हैं जो मुड़ते हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया अगर कैमरा मुझे दिखा सके तो मैं अगर ऐसे मोड़ूंगा तो मेरा भी पूरा जोड़ खुलेगा फिर बंद होगा, लेकिन अगर हम रकू पूरा नहीं करते तो आधा झुकते हैं आधा खड़े हो जाते हैं क़याम में, तो वो जोड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ हो जाता है, तो वो तो मस्जिद में जो है इसमें मस्जिद में नमाज पढ़ना जो तो आना जाना 30 मिनट्स वो तो कन्फर्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। पहला वादा ये हो गया। दूसरा वादा ये है कि कैल्शियम की जो डाइट वो है फूड है, जब फॉर एग्जांपल दही है, दूध है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लें। नंबर तीन जो है सन एक्सपोजर, कि सूरज में कम से कम 10-15 मिनट डेली जो है वो 3-4 बजे नहीं, उसे है कि कहीं से हीट स्ट्रोक ना हो जाए, 10-11 बजे जो धूप तेज नहीं होते ये हो गया। चौथी चीज़ जो है वो स्मोकिंग से क्विट करना है, जो लोग स्मोकर्स हैं स्मोकिंग जो है बेसिकली हड्डियों को वो खा जाती है। और सबसे आखिरी जो है जो ख़तरनाक है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जितने फिजी ड्रिंक्स हैं ना, वो बेसिकली बोन ईटर हैं, शुगर के अलावा उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरे एसिड और दूसरे वो होते हैं उनकी वजह से वो बोन ईटर। तो ये पाँच प्रामिस अगर आप कर लें कि इन चीज़ों पे अमल करना है, हड्डियों को बचा लेंगे, हड्डियों को आप डेफिनेटली बचा लेंगे, आपको जो बुरबरापन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में क्विकली शियाटिका का क्या इलाज है, क्यों होती है, ट्रीटमेंट क्या है इसकी? शियाटिका बेसिकली हर उस दर्द को कहते हैं कि जो कमर से शुरू होकर टांग में जाता है, इसको हम शियाटिका या अर्कनिसा कहते हैं। इसकी अर्कनिसा उर्दू में नाम कितना खूबसूरत है, अर्कनिसा। तो इसमें जो बेसिकली जो डिस्क है, जैसे आपने शुरू में कहा स्लिप डिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अच्छा। ये मिस मेनोर है, स्लिप डिस्क नहीं होती, बल्कि ये वजन की वजह से जो हमारे वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान डिस्क जो है वो प्रेस होती है, तो डिस्क बाहर निकल आती है, बाहर से मतलब अंदर स्पाइनल कैनाल की तरफ चली जाती है, तो वहाँ से भी नर्व्स निकल रही होती है, उस पर स्ट्रेच प्रेशर पड़ता है, और बाजों का जो है ये केमिकल इरिटेशन की वजह से शियाटिका होता है। लेकिन मैं आप जाते जाते ये बात कह दूँ कि शियाटिका और अर्कनिसा के लिए 95% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है, 95% की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सर बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, और वाकई पांच वादे कर लें, पांच वादे कर लें, और नमाज कैसे बचाती है आपकी हड्डियों को, इस पे तो एक अलग सेशन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। बिल्कुल सेगमेंट होना चाहिए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान
ईद उल अज़हा पर जो फिल्में रिलीज हुई उनमें एक फिल्म थी मदारी, और मदारी जो है वो बुनियादी तौर पर यूं कहिए कि कराची की सड़कों की कहानी है, कुछ सियासत से भी जुड़ी हुई है, कुछ सड़कों पर होने वाले जराइम से भी जुड़ी हुई है, नौजवानों से भी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिव्यूज़ आ रहे हैं, सिनेमाघरों में लगी हुई, आप भी जाकर देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस फिल्म के दो अदाकार मौजूद हैं, और ये वो दो अदाकार हैं कि मुझे भी इन दोनों अदाकारों के साथ काम करने का शरफ हासिल हुआ है। बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं हम्माद सिद्दीकी और अहमद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वैसे भाई? बिल्कुल ठीक जी, ज़बरदस्त। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं फिल्म के, और जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं उनको सुनकर और उनको देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? खून बढ़ रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है? ये ऑब्वियसली खून ही बढ़ रहा है, मतलब अच्छा अच्छा फील हो रहा है। और बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में किसी फिल्म के इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, और हर क्रिटिक को, हर बंदे को, जो बंदा वहाँ देख रहा है जाके, जो ऑडियंस है, सबको बहुत पसंद आ रही है। लोग DMs कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और बहुत तारीफें कर रहे हैं, तो इज्जत रख ली अल्लाह ने। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये जो मदारी है, ये मदारी का आइडिया कैसे आया? मतलब ठीक है, कराची के हवाले से है, उसमें होते वाले होने वाले जराइम और यूथ के लिए एक हाईलाइट की हुई आपने एक चीज़, लेकिन ये मदारी का कैसे ख्याल आया, ये जराइम का क्यों आया ख्याल? अच्छा, आइडिया और ख्याल तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच कहीं किसी ज़माने में पैदा हुआ होगा, और उसके बाद वो उसको अकेले अकेले पालते रहे, और फिर जब हम तक पहुंची कहानी। अच्छा। तो पता चला कि भाई ये वो कहानी है जो कि रीजनल सिनेमा को, किसी भी मुल्क के रीजनल सिनेमा को, किसी भी शहर के, एक मुल्क के किसी शहर के सिनेमा को आबाद कर सकती है, तो बहुत अच्छा लगा उसका हिस्सा बन के। अच्छा अहमर, अच्छा। ये बताइए किरदार जो है वो क्या क्या किरदार है? अहमर आपका क्या किरदार है, फिर हमाद आप भी बताइए आपका किरदार क्या है। किरदार मेरा इसमें एक फैसल चिट्टा नामी एक किरदार है, और एक पार्टी का कारकुन है जो कि अपने लीडर की आवाज़ पे बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे, बस आवाज़ पे उठ जाता है। और एक इस थोड़ा सा इसका बताऊंगा कि मतलब पार्टी का एक वर्कर ऐसा भी होता है जो जितने भी पार्टी के जो मामलात होते हैं, जलसे जुलूस वगैरह होते हैं, उसको सारा जो है गैदर करना, उसकी सारी तैयारियां करना। और वह हमाद का एक कैरेक्टर ऐसा है कि हमारी हमाद, मैं और जो हमारे इबाद जो हारिस का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, और एक और लड़का है तनवीर, हम चार दोस्त हैं पार्टी के अंदर। ना होता है ये कि सारी कारकुन ज़रा आपस में होते हैं, लेकिन हम लोग एक स्पेशली कुछ दोस्त हैं जो मिल के चलते हैं और सारे मामलात चलाते हैं। और फैसल चिट्टा के नाम से एक कैरेक्टर है, और बड़े मज़े का कैरेक्टर है, और बड़ी अच्छी जर्नी रही। और आज तक हम सिर्फ कारकुनों को देखते हुए आए हैं, पार्टी वर्कर्स को देखते हुए हैं, जब उसको प्ले किया तो अंदाज़ा हुआ कि कितनी मुश्किलात में होते हैं वो भी, और उनका कितना एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी एक नज़रिया है वो होता है। तो बड़ा मज़े की स्टोरी लाइन थी, और लिटरली मैंने सिराज को ये बोल के कहा था कि यार ये एक कैरेक्टर जो है ना मैं करूँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है कि हर किरदार का ना इस स्क्रिप्ट में, इस फिल्म में हर किरदार का एक पूरा आर्क है। एक बाज़ोकात हम देखते हैं कि यार अगर तीन से चार किरदार हैं तो उसमें से दो किरदारों के ऊपर थोड़ा फोकस होता है, बाकी के जो किरदार हैं वो बिल्कुल सपोर्टिंग, बहुत ज़्यादा लीड सपोर्टिंग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर किरदार जो अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है उसका भी एक आर्क है फिल्म में होने की, उसकी उसका रीज़न मौजूद है। और मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये कैरेक्टर जो भी आया था, चाहे वो 5 से 10 मिनट के लिए आया था, ये क्यों आया था, इसकी क्या लॉजिक है, लेकिन हर कैरेक्टर का अपना एक आर्क है। ये बिल्कुल सही हमाद। अच्छा। ने जो बात की, तो वो हमाद का मतलब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ज़्यादा आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जी जी बोलो।
अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप लोग किरदार की तैयारी करते हैं, जाहिर थिएटर में तो हमने साथ काम भी किया है तो हमें अंदाज़ा है कि किस तरीके से एक तैयारी होती है किरदार की, उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे, उसकी डेवलपमेंट होती है, ये बताएं कि इस फिल्म के किरदार के लिए आप लोगों ने क्या स्टडी किया, किन कैरेक्टर्स को देखा, क्या चीज़ें पढ़ी समझी, और फिर उन एट्रीब्यूट्स को या उन ट्रेड्स को अपने ऊपर नाफिज करके लागू करके ये किरदार बनाएं। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान जब नैपा में पढ़ रहे थे या उससे पहले भी लाइफ में कराची, क्योंकि कराची में ही बड़े हुए, कराची में ही, कराची के इलाकों में ही सारी चीज़ों को देखा और अपनी आंखों से देखे ये सारे मामलात। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें ऐसे किरदार हैं कि जो हमें साफ साफ पढ़ते हुए नज़र आ जाते हैं कि यार ये हमारे बराबर वाली गली में रहता था, ये इस तरह के चचा तो वो हमारे पड़ोस में आके ठहरे थे, और ये वो नहीं थे जो चश्मा लगाते थे, चचा पानी वाटर बोर्ड में हुआ करते थे, और वो क्या, तो वो रिलेटिविटी थी। और उसके हिसाब से फिर ऑब्जर्वेशन का, ऑब्वियसली एज एन एक्टर आप ऑब्जर्वेशन ओपन रखते हैं, तो वो किरदार, जैसे मेरा किरदार है आसिफ बलोच का, तो आसिफ बलोच हमने उस तरह से करना था कि यार वो बलोच जो कि बलोच हो जाता है, एक आम किसी भी जगह आप लेते हैं तो बलोच वो एक कैरिकेचर बना देते हैं, तो उससे बचना चाहते थे, तो फिर कुछ बलोच दोस्तों की मदद ली उसमें, उनके साथ बैठे, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से उनका उर्दू बोलते हुए, क्योंकि कराची में रह रहे हैं और उर्दू में ही बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर उनका एक डायलेक्ट, उनका एक टेम्पो वो सेट हुआ होता है, तो उस चीज़ को जगह जगह थोड़े दो चार दोस्तों से वो निकाला, तो सबने इसी तरह, मेरा ख्याल सबने ही तकरीबन इसी तरह किया कि जी अमर ठीक है। अच्छा, इस फिल्म के अंदर जो मैं ये कह रहा था, प्रोसेस वही है, ट्रेलर देखा एक तो उसके अंदर हमें कोई जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस फिल्म के अंदर हमने जो ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर के अंदर म्यूजिक या कोई गाने वाने नहीं है। नॉर्मली इस तरह की पॉलिटिकल फिल्मों में, और भारत की अगर वो बात की जाए तो वो राम गोपाल वर्मा टाइप जो इस तरह की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्में होती हैं उसके अंदर गाने बड़े अहम होते हैं और बड़े यूनिक किस्म के गाने होते हैं, तो इसमें म्यूजिक एक गाना तो वो होता है यकीनन जिसमें सड़कों पे कोई किसी से भाग रहा है, हाँ, ये एक सड़कों पे कोई किसी से भाग रहा है, और एक गाना वो होता है जो किसी अड्डे वड्डे पे, हाँ, वो जो शौक पूरे करने के लिए गाने होते हैं वो उनकी फिल्म आया। तो इसमें गानों की क्या सूरत हाल है? गाने आपको मिलेंगे फिल्म देखने पे मिलेंगे, और हमारे डायरेक्टर की एक अप्रोच अच्छा। थी, सोच थी कि ट्रेलर में सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए, अगर ट्रेलर में ही पूरी फिल्म दिखा देनी है तो फिर फिल्म देखने कौन जाएगा। गाने भी हैं और कुछ तराने भी हैं, और जब आप फिल्म देखने दो है, एक गाना है और एक तराना है। गाना भी वो खेल जो गाना है, शादाब ने उसको लिखा और कंपोज किया, और जो दूसरा गाना है तराना जो है, जो क्या कौन सा तराना, बचाने कौम को निकले हैं बड़ी शान से, वो पारस मसरूर, पारस भाई ने लिखा है और उसको आसिफ नूरानी कंपोज किया है, तो बहुत अच्छा, दोनों गाने बड़े फील के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और वो जहाँ तक रही शौक़ पूरा करने वाली बात, तो मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है वो सारी वो शौक़, तो इस वजह से डायरेक्टर ने उस चीज को इन्वॉल्व किया ही नहीं फिल्म में, ये चीज हमें अवॉइड किया। चलो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि कल्चर को मद्देनजर रखा बनाते हुए, वरना तो आपने कॉपी करना होता है ना, बिल्कुल एक आइटम तो डालना ही होता है, लेट मी यूज द वर्ड। वेरी गुड, ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है ना कि हम अपने हिसाब से फिल्म बनाएं, कि हम अपना माशरा, अपना कल्चर दिखाएं, कि जो चीज हमारे यहाँ होती है वो दिखाएं, जो नहीं होती वो हम ना दिखाएं। मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। जी अहमद जी बताएं। हाँ, मतलब आप फिल्म जब देखने बैठेंगे ना, तो वो जो एक हमारी फिल्मों पे एक थोड़ी बहुत सी जो छाप लग गई है ना, कि यार कुछ ना कुछ बॉलीवुड का टच आता है, या जितने भी डायलॉग्स हैं फिल्म के वो रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो इतना काम हो गया है कि आप कोई भी चीज़ उठाते हैं तो कुछ ना कुछ मैच कर जाता है। बट ऑडियंस का ये सच्चा रिव्यू है, और कि देखने के बाद उनको लगा कि हमें लगा यार कि हम कोई पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं, और जिस इसका एक एक जुमला ऐसा है कि जो हमने पहले कभी नहीं सुना, बट हमने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना इसको, हमने किसी फिल्म में नहीं सुना,
जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, हमाद का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पॉलिटिकल बात भी की है बड़े पॉजिटिव वे में लेके, जिसने आवाम के अंदर जो बातें होती हैं वो भी की हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको वाकई अंदाज़ा होगा कि हाँ यार ये जुमले हमने पहले कभी नहीं सुने, लेकिन अपने इर्द गिर्द ज़रूर सुने, फिल्मों में नहीं सुने, तो वो देखने में बड़ा मजा आया और ऑडियंस ने बड़ा सच्चा रिव्यू दिया कि यार हमने बहुत ज्यादा रिलेट किया। एक रिव्यू तो बड़ा प्यारा आया, वो कहने लगे कि मैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं खारा दर में घुसा। हाँ। मैंने जुम्मे की नमाज के बाद मैंने बिरयानी खाई है और सैनमा के बजाय मैं आज अभी भी इस वक्त भी खारा दर की गलियों में घूम रहा हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त, कितना ज्यादा रियल लाइफ आपने एक्सपीरियंस उनको फराम किया। तो कराची वाले तो खास तौर पर देखें इस फिल्म को भाई, क्योंकि अच्छा, उनको तो कराची नजर आएगा नजर आएगा। अच्छा एक क्विक सवाल ये है कि ये फिल्म जरा मर्दाना मर्दाना लग रही है, मतलब आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर जिसको हम कहते हैं कि वो एक खास तबके से ताल्लुक रखने वाली, लेकिन मुझे जरा मर्दाना मर्दाना टच इसमें नजर आ रहा है, मतलब वो टपोरियज्म, झगड़ा फसाद, क्राइम, हीरोइन हीरोइन, मैं यही पूछने जा रही थी, कोई कोई अच्छी सी प्यारी सी खातून है? आप अपने आप को डाल लें उसमें, मुझसे पूछा नहीं ना उन्होंने, वरना तो मैं उनको, मैंने भी डायरेक्टर को पूछा था यार ये पूरा स्क्रिप्ट जब मैंने सुना था तो मैंने भी पूछा था कोई लड़की नहीं है क्या, कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है हमारा? हाँ तो उसने क्या कहा, फिर क्या हुआ? क्योंकि पहला थॉट आपको यही आता है यार फिल्म बना रहे हो, ठीक है चलो आइटम सॉन्ग नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन कोई तो एक होगा, किसी का तो एक ट्रैक होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोहब्बत भी कर रहा होगा, या कोई ऐसा बंदा होगा जिसके घर में कोई औरत होगी जिससे वो परेशान होगा, ये वो औरत उस बंदे से परेशान होगी। अच्छा मैंने तो जब ये पहली दफा स्क्रिप्ट पढ़ा था, मैंने पहली दफा जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगा कि यार किसी किसी चीज की कमी है, ये नहीं लगा कि किसी लड़की की या किसी किरदार की कमी है। कहानी स्टोरी पूरी बिल्कुल कंप्लीट थी और अली रिजवी और सिराज दोनों अच्छा। उस पर भरपूर काम कर चुके थे, मतलब मैंने पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ा वो मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा ड्राफ्ट था, और जब हमने फिल्म पैक की है कि तो 9.6 और 9. कुछ इस तरह के ड्राफ्ट कुछ ज़्यादा, तो वो एडिट होती गई बाद में, इम्प्रोवाइजेशन चीज़ें रिहर्सल्स करते थे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें खुलती थी, मगर जो एक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट था, वो पूरा पूरा था, तैयार था, इसी वजह से वो डायरेक्टर भी इतना कॉन्फिडेंट था उस चीज़ पे और साथ में अली भाई जो राइटर हैं साथ में को राइटर प्रोड्यूसर, तो वो भी उस पर पूरा कॉन्फिडेंस थे कि हम समझते हैं कि ये फिल्म, ये पूरा स्टोरी कंप्लीट है। लेकिन फिर भी फीमेल है हमारी फिल्म में। फीमेल है एक कैरेक्टर है आसिया अच्छा। आलम एक कैरेक्टर कर रही है चच्ची का, उसकी हारिस की चच्ची का, और बाकी एक और कैरेक्टर भी है नौरीन गुलवानी जो है वो उसमें उन्होंने कैमियो किया है, और बहुत बहुत वो एक लड़की अच्छा। का किरदार है जितना उसमें होना चाहिए स्टोरी के साथ, जितना प्यारा दिखाना चाहिए हमने दिखा दिया, दिखाना चाहिए उतना हमने दिखा दिया, उतना दिखा उतना प्यारा दिखा, ठीक है बिल्कुल सही है, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमाद सिद्दीकी और अहमद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, मदारी की कास्ट से हम गुफ्तगू कर रहे थे, जाकर देखें जी मदारी फिल्म, और मैं भी जाकर देखूंगा कुछ कराची भी, पाकिस्तानी एंड वॉच पाकिस्तान, ये सबसे जरूर करना है। अगर आपने आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बने, तो आपने जो भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ रहे हैं और अपनी फिल्में ला रहे हैं, देखे सरमाया बड़ा लगता है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं होती, कोई अच्छी चीज बिल्कुल ही मुफ्त में नहीं होती, पसंद आई या नहीं पसंद, बिल्कुल एनकरेज करें, जरूर देखें जाके, और पाकिस्तान के सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को इन फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ उठाने की कोशिश करें। अब जरा आपको लेकर चलते हैं लाहौर की तरफ, और लाहौर में बड़ी तश्वीशनाक खबर यह है कि बारिशों का मौसम चल रहा है और उसमें डायरिया कॉलरा वगैरह ये तो कराची की बीमारियां, डायरिया कॉलरा लाहौर में तो निगलेरिया है, और निगलेरिया जो है वो लाहौर में है, और उसके हवाले से ये भी खबर कल मैंने पढ़ी कि शायद एक पेशेंट की जान भी चली गई है निगलेरिया की वजह से। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, मालूम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम जी। वालेकुम सलाम जी। जी फहीम भाई बताइए, निगलेरिया की क्या सूरत हाल है लाहौर में? बिल्कुल अवैस भाई, ये जो डेंगू के बाद एक और लाहौरियों के लिए मुश्किल साबित हो रही है, ये निगलेरिया का मर्ज है जो कि लाहौर में बाकायदा तौर पर डायग्नोज हो चुका है, और चार दिन पहले इस हवाले से बाकायदा एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें 30 साल शख्स जो है वो निगलेरिया का शिकार हुआ, जिसकी बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो प्राइवेट लेबोरेटरी में करवाए गए टेस्ट से साबित हुई है, और ये नौजवान जो है वो बॉडी बिल्डर था, यानी कि सेहतमंद नौजवान था, जो कि स्विमिंग पूल में बताया जा रहा है नहाने के लिए गया था, और वहां से उसको
ये निगेरिया का वायरस जो है उसका शिकार हुआ है और चार दिन ये अस्पताल रहा है और शदीद बीमारी के बाद इसको कह आती रही है, दिमाग में इसका वायरस पहुंच चुका था और चार रोज बाद ये जिंदगी की बाजी हार चुका है, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि डेंगू जो है जिस तरह साफ पानी में पैदा होता है, इसी तरह निगेरिया का वायरस जो है ये भी बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि ये साफ पानी में पैदा होता है। और साथ ही साथ जी अच्छा ये भी बताएं कि अब लाहौर में चूंकि बारिश का सिलसिला अभी चल रहा है, आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर में पिछले दिनों भी जब बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि एक अंडरपास जो है वो बिल्कुल नहर ही लग रही थी और नहरें भी जो है वो कनाल रोड वो भी ओवरफ्लो हो गई थी नहर, तो अब क्या सूरत हाल है, क्या मंजर है, लाहौर तो पानी पानी है सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, लाहौर जो है इस वक्त मीनस का मंजर पेश कर रहा है और इस वक्त लाहौर का पोश्तरीन इलाका जो है वो गुलबर्ग में हम मौजूद हैं और ये मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। एम एम आलम रोड की बात करें, महमूद अली कसूरी रोड की बात करें, मेन बुलवर्ड की बात करें या इसके साथ साथ वाल्टन रोड, फिरोजपुर रोड, ताजपुरा, शादबाग, ये तमाम इलाके जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं और तकरीबन लाहौर में अब तक जो बताया जा रहा है जो सरकारी इदादोशुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 230 मिलीमीटर बारिश जो है वो दो मुख्तलिफ स्पेल में रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो वासा कहाँ है, वासा इंतजामिया और वो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए थे वो क्या बंद कर दिए गए? अच्छा जो टैंक्स की बात है, ये लाहौर में तकरीबन 8 मुख्तलिफ मकामात पर बनने थे वाटर टैंक्स, वो सिर्फ एक जगह पर ही बना सके हैं जो कि साबका दौरे हुकूमत में बनाया गया था, उसके बाद अभी तक किसी जगह पर जो दूसरे प्रपोज्ड वाटर टैंक थे वो नहीं बन सके। गुलबर्ग के इलाके की बात करें तो यहाँ पर तो इंतहाई बुरी सूरत हाल है क्योंकि ये लाहौर का पोश हब है, प्राइवेट ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनकी मुतद्दी लोगों की मोटरसाइकिलें गाड़ियां बंद हैं। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो लाहौर के दूसरे इलाकों में भी है। तो लाहौर इस वक्त जो है यकीनी तौर पर आफत ज्यादा करा दिया जाए तो भेजा ना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता बारिश में भी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा था और आज जो बारिश हुई है उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो काफी मुश्किल का शिकार तो अब आ रहे हैं। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है पंजाब में वो एक तो निगलेरिया के हवाले से क्या कोई उन्होंने इकदाम के हवाले से कोई बात की है, कोई वो मेजर्स ले रहे हैं? अच्छा बिल्कुल, जो निगलेरिया के हवाले से बात है इस हवाले से जो कमिश्नर लाहौर है मोहम्मद अली रंधावा उनकी जानिब से ये वाजे हदायत कर दी गई है कि लाहौर डिवीजन में जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं उनमें क्लोरीन जो है वो जरूर डाली जाए और उसकी मिकदार जो है उन्होंने ये कहा है कि 50% तक होनी चाहिए, जबकि साथ ही साथ जो तमाम पूल्स हैं उनके मुआयने की भी हदायत जारी कर दी गई है, जबकि साथ ही साथ शहरियों को भी ये हदायत की गई है कि जो उनके वाटर टैंक्स हैं उनकी फौरी तौर पर जो है वो लाजमी अभी सफाई करवा ली जाए। बताया जा रहा है कि ये जो निगेरिया का वायरस है ये साफ पानी में पैदा होता है और इसके जो बड़ी आमाजगाहें हैं इसमें स्विमिंग पूल्स होते हैं, साफ पानी होता है, जबकि नहर और झीलों पर जो है वो लाहौर शहर में वैसे भी नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है निगेरिया का मर्ज सामने आने के बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फहीम अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे थे। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और कराची की तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी कॉलरा और बारिश है तो जाहिर है इसके मामलात हैं फैलना है, लेकिन जी ये सारी बातें हम करेंगे लेकिन वक्फे के बाद। इस तरह की बीमारियां फैलती हैं लेकिन अब ये मामला किस कदर तश्वीशनाक है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कराची से शिराज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शिराज साहब क्या सूरत हाल है कराची में कॉलरा और जो डायरिया है उसके फैलने की, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किन इलाकों में ये मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, कराची के मजाफाती इलाकों में ये जो डायरिया के मर्ज है वो तेजी से फैल रहा है और खास करके हमने देखा कि ईद उल अज़हा के फौरी बाद इन मरीजों की तादाद में जो मुसलसल इजाफा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। खास करके बात की जाए तो गडाब टाउन की, जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 260 के करीब मरीज जो हैं इस बीमारी से मुंसलिक और मुहैया मुतासर हुए हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक 40 साल खातून भी जो है इस मर्ज की वजह से इंतकाल कर गई थी और ये केसेस मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और इनमें बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी वजह से मेमनगोड अस्पताल और इसके इतराफ के जो छोटे छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाने की वजह से उनको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया और वहाँ के जो मरीज हैं अब उन्हें जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से जो इकदाम हैं वो ना तो पहले हमें होते हुए दिखाई दिए हैं और ना ही
अब हमें किसी किस्म के इकदाम होते हुए दिखाई दिए हैं। ये केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी जिसकी सबसे बड़ी वजह एक तो गजा का सबसे बड़ा मसला है कि जो साफ सुथरी गजा है वो इन इलाकों में दस्तियाब नहीं हो पाती है, जबकि साफ पानी की फरहमी जो है वो कराची का देरीना मसला है। और इस हवाले से वक्तन फो वक्तन हम देखते हैं कि जो केसेस हैं वो पेट के दर्द के और हैजे और दीगर जो मसाइल हैं वो जन्म लेते रहते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं देते। डिप्टी मेयर जो कि सलमान मुराद हैं, उन्हीं का ये इलाका कहलाता है गडाप टाउन, वहाँ पर काफ़ी अरसे से जो पानी के मसाइल हैं वो लोगों को दरपेश हैं, लोग अब भी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। पानी की साफ पीने के पानी की लाइनें जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे गोट हैं वो मुख्तलिफ टंकियों से टैंक से पानी भर भर कर लाते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं पेट के दर्द के बढ़ने की तादाद, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो गडाप टाउन में रिपोर्ट किए गए हैं, और अब तक छोटे मोटे कैंप्स तो लगाए जा रहे हैं लेकिन अब भी ये कैंप्स जो है वो नाकाफी हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शिराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि कराची में कॉलरा और हैजे की जो वबा वो भी मुख्तलिफ इलाकों में फैल रही है, और ईद उल अज़हा के बाद से जो गैस्ट्रो और जो पेट के अमराज हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। ये सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है कि हम सबको मालूम है कि ईद के ऊपर सूरत हाल क्या होती है, मौसम कैसा है, उसमें गोश्त खाना जो है वो कितना हमें चाहिए, प्रोग्राम्स भी होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बस वो फिर हम मैं ना मानूँ तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बीमारियों का तो इलाज है, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, कुछ बात करते हैं बच्चों के हवाले से। बच्चों के लिए जो मवाद अवेलेबल होता है पढ़ने के लिए उसमें कोई बहुत खातिर खा तब्दीली ओवर द ईयर्स हमने देखी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पुराने वक्तों से कहानियां चली आ रही हैं, वो तो हम पढ़ा देते हैं सुना देते हैं बच्चों को, लेकिन उनके लिए खास तो खास किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस करना ये क्यों इतना मुश्किल है हमारे लिए और क्या इसमें कोई आसानियां पैदा? अपने कल्चर से और अपने पूरे माशरे से बच्चों को रोशनास कराना है और उसकी तरबियत जो है वो लिटरेचर के जरिए होती है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब जो कि मैथ्स कॉम के पीएचडी हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के माहिर हैं, और चिल्ड्रन लिटरेचर पर इन्होंने बड़ा काम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो बच्चों का लिटरेचर है, जाहिर है क्योंकि आपने एक ऐसी जनरेशन से कम्युनिकेट करना होता है जिसकी उम्र हमसे बहुत कम होती है जी, और वो एक अलग जमाने के लिए पैदा हुए होते हैं जी, बिल्कुल। तो ये इतना मुश्किल काम है कि बहुत ही कम लोग आते हैं इसके अंदर, तो ये काम हमारे यहाँ पहले मुझे लगता है ज़्यादा होता था, अब कम होता है, ऐसा क्यों हो गया? इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट तो खैर शुरू से ही नहीं थी बच्चों में, मगर यह है कि जब से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया और बच्चों के हाथ में जब से मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं, उसने तो हमें जो है ना बच्चों को किताबों से बिल्कुल दूर कर दिया है। मगर इस सब के बावजूद यह है कि अब भी पूरे पाकिस्तान में कोई 30 से ज़्यादा बच्चों के मैगजीन शाया होते हैं। अच्छा, और मुख्तलिफ अदारे हैं जो किताबें शाया करते हैं। कौन से कुछ मैगजीन बताएंगे? अब जैसे हम जब बच्चे थे तो आँख मचोली, तालीम तरबियत, सबसे पहले तो तालीम तरबियत है कि उसको 83 ईयर्स हो गए हैं उसको छपते हुए, जबरदस्त। और उसके बाद फिर आँख मचोली है, उसको भी 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, फिर फूल रसाला है, फूल वो है। इसके अलावा ये है कि कराची से कई पर्चे हैं, साथी है, फिर रोशनी है, पैगाम है, इस तरह तो से इनका कंटेंट भी क्या उस हिसाब से अपडेट हो रहा है? हाँ, असल में अब तो बच्चों के लिए इसकी कुछ साइंसी इजादात बाकी इनोवेशन वगैरह सारी तो इसको साथ लेके चलते हैं और उसमें बच्चों के आज के जो तकाजे हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। मगर यह है कि माजी में जो है कि जो एक सिलसिला था वो अब बाहर यह कि ये कम हुआ। अच्छा, है। अब हम वेस्ट में देखते हैं कि वहाँ पर हैरी पॉटर भी तख्लीक हो रहा है जी, वो किताब की शक्ल में आता है, फिर फिल्मों की शक्ल में आता है, बेस्ट सेलर बन जाता है, और बहुत सारी चीज़ें भी डिज्नी वाले बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। हम लोग इस वक्त बच्चों के लिए स्पेसिफिकली नावल और कहानियाँ जो प्रॉपर बड़ी जो किताबें होती हैं वो लिखने में कहाँ पर खड़े हैं? असल में जब यह है कि ए हमीद से हुकूमती सतह पर जो है कि वो एने वाला जिन जी लिखवाया गया और उसको प्रोड्यूस किया गया तो वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए इंतज़ार होता था उनको। हाँ। और अब असल में ये है कि कोई भी चैनल जो है ना वो चाहे पीटीवी हो बाकी चीज़ें चैनल्स हैं वो बच्चों के लिए कोई वक्त है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल, जब यह है कि ये बच्चे जिस चीज़ को देखते हैं अगर वहाँ उनके लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है
तो फिर ज़ाहिर है वो मोबाइल पे कार्टून को देखेंगे, कुछ और करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर चैनल्स जैसे वाले से पेशकदमी करें और 92 जो है इस हवाले से कोई हफ्ते में कम अज़ कम घंटा आध घंटा अगर दे, हम अपने प्रोग्राम में ही कोई बच्चों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी दावा अकेडमी के तहत पूरे पाकिस्तान में राइटर्स तैयार किए तो उनकी तादाद 500 से ज़्यादा है। उनसे आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, साइंस फिक्शन लिखवा सकते हैं, बाकी कहानियाँ हैं और चीज़ें हैं। यानी अगर आप ये 92 अगर मौका दे तो हम जो है वो आपको इस हवाले से ऐसा। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जी जो कि आपके ख्याल में हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए जी किताबों में? फिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी अगर आप रेकमेंड करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी ये फील्ड है, आपका डोमेन है उर्दू भी और अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी भी। तो मेरे ख्याल में यह है कि फिक्शन से पहले हमें ये चाहिए कि बच्चों को बुनियादी जो आदात है ना, अब हम कहीं भी देखते हैं बच्चे पार्क में जाते हैं, क्यों जाते हैं तो वहाँ रैपर फेंक रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इसलिए हमें बुनियादी तौर पे उनकी जो है ना अखलाकी तरबियत जो है, ये सोशल वैल्यूज़ हैं वो सिखाने की ज़रूरत है। ये बाकी जो है ना ये जितनी भी चीज़ें अगले मरहले की हैं, पहले बच्चे बुनियादी तौर पे वो चीज़ें सीख जाएं। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं आज का सेगमेंट हमारा अदब के हवाले से है, तो मैं उस हिसाब से चाहूँगा कि कौन सा अदब ऐसा है जो पाकिस्तान में तख्लीक हुआ है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, कोई ऐसी 3 किताबें हो जो बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर दी जाए। जी, इसमें यह है कि इश्ताक अहमद जो है बच्चों का नावल निगार, उन्होंने 800 से ज़्यादा नावल लिखे और बल्कि PTV ने उनके कुछ नावल जो है वो ड्रामाटाइज भी किए थे। बिल्कुल, अगर यह है कि उनके नावल जो है ना वो बहुत ही इस तरह से सस्पेंस जैसे हैरी पॉटर की तरफ पे उस लेवल के हैं, यानी उनके कुछ नावल जो है 2,000 सफात के हैं कि जिनको आप किस्तों में चलाएं तो 2-3 साल किस्तों में चल सकते हैं। जैसे नैनक वाला जिन जो है वो कई किस्तों में, यानी बल्कि 2-3 साल चलता रहा। इस तरह यह है कि हम अपने जो यहाँ के राइटर्स हैं बेशुमार हैं, उनको अगर मौका दें तो वो एक से एक ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में से लोग आए, आजकल वो मुख्तलिफ चैनल्स में ड्रामे लिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनको हम कहें कि ड्रामों के साथ ये बच्चों के लिए भी एक पूरी सीरीज करें उसको, तो वो कर सकते हैं। सही। अच्छा, और अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर की बात करें जी, तो उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर हमारा एक कल्चरल डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी क्लासिक्स हैं। नहीं, उसमें तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ हमारे यहाँ उसको ट्रांसलेट भी किया गया है, मगर ये है कि वो बहुत वसी पैमाने पे नहीं। इसमें हमारे यहाँ क्योंकि तर्जमे का फ़न भी नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में यह है कि पूरी दुनिया के जो ज़बानों को उसको ट्रांसलेट भी करते हैं ताकि अच्छी चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस की जा सकें। बिल्कुल, मगर यहाँ ये एक तर्जमे का फ़न जो है ना होने के बराबर है। सिर्फ मसूद बरकाती जो नौनहाल के मदीर थे, उन्होंने कोशिश की कि कुछ बाहर की चीज़ें जो हैं वो उनको ट्रांसलेट भी किया जाए और यहाँ के बच्चों को उससे मुतारफ़ कराया जाए। तो अब भी कोई ना कोई एक अद्दुका कोशिश है कि बाहर का लिटरेचर जो है, बाकी हमारे यहाँ एकेडमी ऑफ लेटर्स वाले जो हैं वो उनको ये है कि बाहर की दुनिया से जो डेलीगेशन आते हैं उनके पास मुख्तलिफ दुनिया से, तो अपना लिटरेचर बच्चों के लिए देते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हैं वो अहमद कासमी ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखा, वो फूल रसाला जो इम्तियाज ताज निकालते थे उसके एडिटर रहे, अहमद अब्बास एडिटर रहे, हफीज जलंधरी उसके एडिटर रहे। तो ये सारे जो रिसाले हैं बच्चों के जो बहुत पुराने और तकरीबन सारी जनरेशन अभी तक तो इनसे वाकिफ है, ये ऑनलाइन अपना फुटप्रिंट क्यों नहीं बनाते बच्चों के लिए? मतलब बजाय इसके कि बाजार से रिसाला लेना, अब जब सारी जिद्दत आ गई है, अखबार जो है ऑनलाइन सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, बहुत कम ही होगा जो घर में अखबार डिलीवर कराता है, तो ये लोग ऑनलाइन, आपको नहीं लगता कि इससे भी फायदा होगा कि अगर ये रिसाले ऑनलाइन हो जाए? जी, इसमें एक यह है कि वो ये जो फूल है उसके बाद उन्होंने हाल है साथी इस तरह के रसाइल, अब वो ऑनलाइन भी आपको दस्तियाब है मार्केट। अच्छा। स्क्रीन जी, तो अब इस तरफ वो आ रहे हैं और बल्कि ख़ुद हम एक ऐसा मैगज़ीन तैयार करने में मसरूफ़ हैं कि वो ऑनलाइन जो है वो बच्चे उसको पढ़ भी सकेंगे, उसको सुन भी सकेंगे, उसको देख भी सकेंगे। जबरदस्त, ये तीनों चीज़ें एक वो उसको देख सकें। आपने जो बच्चों के लिए काम किया है उससे भी हम चाहेंगे थोड़ी सी आगे। जी जी, इसमें यह है कि क्योंकि बचपन से मुझे रसाइल पढ़ने का शौक़ था और घर में तालीमी माहौल था, इसलिए जो है ना वो बचपन से इस हवाले से मेरा ज़ौक शौक़ था और ये सहाफ़ा जर्नलिज़म इसमें भी एक था, तो इसलिए मैंने तालीमी तौर पे तो यह है कि फिर पंजाबी से मास्टर किया और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे यूनिवर्सिटी में 87 साल से जो डिपार्टमेंट है आज तक किसी के ज़्यादा इससे नंबर नहीं आए। अच्छा। जी, क्या बात है। तो फिर उसके बाद ये कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद,
उस दौरान मैंने पीएचडी भी कर ली। फिर बच्चों के लिए जो चीज़ें आपने लिखी, बच्चों के लिए ये था कि मेरा शौक था कि बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है उसमें, कोई माली मफाद व्यवस्था नहीं होता। तो फिर इस्लामी हिस्ट्री के तहत हमने चिल्ड्रन लिटरेचर डिपार्टमेंट बना के हमने उसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स की और पूरे पाकिस्तान से स्कॉलर्स को, ए हमीद को, मिर्जा दीप को, इस तरह के लेवल लोगों को बुला के तो यंग राइटर्स को ट्रेनिंग दी। और अब यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो लिखने वाले मौजूद हैं वो सारे उस प्रोसेस से, उन कोर्सेज से, उन वर्कशॉप्स के ज़रिए इस वक्त तो उन्होंने इस्तेफादा किया। तो इसके नतीजे में इस वक्त जो बच्चों के अदब के लिए जो काम हो रहा है वो बहुत गनीमत है कि इस्लामी हिस्ट्री ने यह काम शुरू किया तो उसका ये सारा एक समर और सिला हमें मिल रहा है। इस तरह के काम जी ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि बच्चों का लिटरेचर अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो बच्चे अपने माजी से, अपने मुस्तकबिल से और अपने हाल से रोशनास नहीं हो सकेंगे, अपने कल्चर से रोशनास नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।